रहना है। हम आपसे इतना ही कहेंगे कि जब भी मौका मिलेगा और आप लोग जैसे भी बताएंगे उस तरह से हम लोग कोशिश करेंगे। तपन दा यहाँ मौजूद है, हम लोग सवेरे से 10:30 बजे से ही पार्लियामेंट के गेट पर नारा लगा रहे हैं। नारा लगाते लगाते आप यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जहाँ है वहाँ भी लड़ाई रहे हैं और ये लड़ाई को जोड़ने की जरूरत है। और एक बार फिर यही समय है, विभिन्न संगठनों के लोग जो भी प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास करते हैं, जो भी सामाजिक न्याय में विश्वास करते हैं, जो भी धर्म निरपेक्षता में विश्वास करते हैं, जो भी इस मुल्क से मोहब्बत रखते हैं, भाईचारा चाहते हैं, प्यार चाहते हैं, मोहब्बत चाहते हैं, किसी भी जाति और धर्म के लोग क्यों न हो, सब लोगों को मिल करके और इस खतरे का मुकाबला करना है। और उसकी एक बात की इस मंच पर दिखाई पड़ रही है, विभिन्न संगठनों के लोग आज यहाँ इकट्ठे हैं, यहाँ से उम्मीद की किरण दिखाई पड़ती है और ऐसा लगता है कि एक दिन हम जरूर इस लड़ाई में कामयाबी हासिल करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हड़ताल
से हटा पाएगा। ये आत्मविश्वास के साथ आपको फिर बधाई देते हुए इस आयोजकों सारे संगठनों को प्रति आभार प्रकट करते हुए मेरा बात खत्म करता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद। ¡Gracias!
part of the Rohit Hamlal voices. हमारे बीच में आम आदमी पार्टी के भूतपूर्व सांसद वीर गांधी जी भी बैठे, उनका भी हम स्वागत करते हैं। आप तो पुराने कॉमरेड हैं। मौजूदा सांसद हैं, मैं माफी चाहूंगी। मंच पे आज से तमाम किसान मजदूर संगठन जन आंदोलन के संगठनों के नुमाइंदे, महिला नुमाइंदे सबको सलाम करते हुए सबसे पहले अखिल भारतीय बहुजन संघ की तरफ से मैं आया हुए तमाम साथियों को स्वागत करता हूं, अभिनंदन देता हूं कि जिस मुश्किल हालात में आप लोग दिल्ली पहुंचे हैं, चारों तरफ हाहाकार मची है, रास्ते बंद है, आपको डराया जा रहा है कि दिल्ली जाओगे तो मारकाट हो जाएगी, ऐसे में आप जो आए हैं भारी संख्या में उसके लिए आप काबिले तारीफ है। आपकी जो अजमत है, आपकी जो इच्छा शक्ति है, उसको हम सलाम करते हैं। साथियों, हमारे अभी भी बहुत सारे उपभोक्ता बाकी है, मैं दो मिनट पर अपनी बात करके छोड़ता हूँ। पहली बात तो यह है कि आज ही के दिन पिछले साल 24 फरवरी 2015 में हम लोगों ने संसद मार्ग में भारी रैली जनसभा किए थे और जिसमें ऐलान किए थे कि सरकार जो है जो कोशिश कर रही थी कि हमारे लोगों से जमीन छीनने की, देश की जमीन को कंपनियों के हाथ में देने की, उसके खिलाफ जंग का ऐलान किया था और ये ऐलान किया था कि अगर ये अध्यादेश वापस नहीं होंगे तो सड़क पे लड़ाई होगी, संसद में होगी, हर जगह होगी और ऐसा ही हुआ। और 3 महीने बाद बहुत कोशिश करने के बाद सरकार को अध्यादेश वापस लेना पड़ा, लेकिन मामला अभी भी हल नहीं हुए। जैसे हमारे अग्रणी साथी हन्नन जी ने आपको बताया, जो बिल कानून बनाने की जो साजिश करने के लिए जो बिल बना है की, वो आज भी लंबित है संसद में कमेटी के पास और जब तक वो खत्म नहीं होगी तो ये खतरा है। पिछले साल हम लोगों ने ऐलान किया था, दो नारे प्रमुख दिए गए थे इसी मंच से, बहुत बड़े बड़े लीडर थे, बहुत तरह तरह के नेता अभिनेता भी थे, दो नारे दिए थे। मैं आपको फिर याद दिलाता हूँ कि पहला नारा था धरती माँ की जय, जो धरती माँ हमारे को पैदा करती है, हमें पालती है, उसके अधिकार को, उसकी अस्मिता को हम छेड़ने नहीं देंगे, ये प्रत्याय हम लोगों ने किया था। और दूसरा ये जो पूंजीवाद को बढ़ाने की कोशिश कर रहे और राष्ट्रवाद की बात कर रहे उसके खिलाफ हमारा नारा था जो शहीद आजम भगत सिंह ने किया था, इंकलाब जिंदाबाद। ये दो नारा से हमने अपने आह्वान शुरू किए थे, आंदोलन शुरू किया, आज पूरे 1 साल हो गए और उसी 1 साल पूरा करने के आप सबको दिल्ली बुलाया गया और इसमें और भी नए नए संगठन जुड़े, हम सबको स्वागत करते हैं। और इस बात पे बार बार आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि हम अपनी नज़र हटा ले, तमाम दुनिया भर की चक्करबाजी में हम जमीन के अधिकार का सवाल को पीछे ना हट जाए। सरकार की कोशिश है, जैसे सारे वक्ताओं ने बताया कि सरकार की कोशिश है कि खेतिहर मजदूर किसान गरीब किसान और आज शहर
नागरिकता बन रही है, देश की अस्मिता को बचाए रखने के लिए, संसाधनों को बचाए रखने के लिए, उससे इसको दिमाग हटाया जाए और तरह तरह के सवाल में जुड़ाया जाए। उन सवालों को भी हम मुकाबला जरूर करेंगे, लेकिन हमारे मुख्य मुद्दा पे हमें ध्यान रखना है कि जमीन पे जो लोगों के अधिकार है, श्रमजीवी समाज के अधिकार है, ये बहुत बुनियादी सवाल है। चाहे वो राष्ट्र निर्माण का सवाल हो, चाहे प्रजातंत्र का सवाल हो, चाहे सेकुलरिज्म की सवाल हो, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई का सवाल हो, अगर हमारे लोगों के पास साधन नहीं रहेंगे तो हम लड़ नहीं सकते। बगैर नंबर के, बगैर जमीन के लोगों के पास कोई राजनीतिक वजूद नहीं रहते। जमीन हमारे राजनीतिक वजूद है। अंग्रेजों के खिलाफ हमारे राष्ट्रीय आंदोलन इस बात से शुरू हुई थी, जल जंगल जमीन हमारे है, वो आज जारी रहेंगे। इसी संकल्प को लेकर हमें यहाँ से जाना है। साथी सभी साथियों को एक बात में ध्यान रखना है, सभी संगठनों को ध्यान रखना है कि हमारी एक लाख की बुनियाद प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर जन समुदाय के अधिकार पर केंद्रित है। इस बात के बाद इस बात के ऊपर कोई समझौता नहीं हो सकती। संसद हमारे साथ भी है, संसद के विरोधी इसके लिए हम उनको शुक्रगुजार है, अगर वो साथ नहीं भी देंगे तब भी हम ये लड़ाई लड़ेंगे। संसद की लड़ाई नीचे से तय होगी ना, तो हवा में तय होगी, हाउस में तय होगी। इस निश्चय को लेकर हमें जाना है। दुनिया में हर जगह लड़ाई है, जनता के सामने लड़ने के लिए उसके पास कोई अगर मगर नहीं होता, अपने अधिकार के लिए लड़ते। और एक बात हुकूमत लोग समझ ले, सरकार तमाम राजनीतिक शक्ति समझ ले कि जब जब इतिहास में हुकूमत में आपने जनता के साथ सीधी टक्कर में आए तो वो हारे हैं। 2000-2500 साल की इतिहास देख लीजिए, रोम साम्राज्य से लेके इंदिरा गांधी सब जो जनता से टक्कर लेने की कोशिश की वो गए, और ये सरकार तो कल की चुननी है, उखड़ कर उखाड़ दिए फेंक दिए जाएंगे। और ये हिंदुस्तान में भारत में जनता की राज होगी, मेहनत कर जनता की राज होगी, यह हमारे लक्ष्य है। भूमि अधिकार आंदोलन उस लक्ष्य के लिए लड़ रही है और लड़ते रहेंगे। इसी बात से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। साथियों आज इस धरती मां के संघर्ष में, इसको बचाने के संघर्ष में हमारे साथ मजदूर आंदोलन के भी साथी हैं, और उसमें से हमारे अभी जो सुबह अनाउंस हुआ था रेनू गुड सोनभद्र के इंडालको कंपनी में काम करने वाले भी 25 मजदूर साथी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। इसी के साथ जोरदार तालियों के साथ उनका हौसला अफजाई की जाए, और इसके साथ इस आंदोलन में और आग डालने के लिए हमारे युवा साथी भी मौजूद है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की रिचा सिंह, जिन्होंने हिंदुत्ववादी ताकतों को चुनौती दी, वो भी आज ये ताकतें सब इकट्ठा होकर एक चुनौती दे रही है, खास तौर पर महिला शक्ति। महिला शक्ति जो कि इतनी बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है और जो कि धरती मां के बुनियादी तौर पर जुड़ी हुई है, लेकिन ये शक्ति को सामने आना है और हमें पूरा भरोसा है कि वो सामने आएगी, क्योंकि उसकी जुड़ाव महिला शक्ति से है जो और धरती से है, ये कभी पीछे नहीं हट सकती। ऋचा सिंह पहली महिला है जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की अध्यक्षा चुनी गई है, ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, इसके लिए हमें जोरदार तालियों से उनका स्वागत करना चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए, और मुझे भरोसा है ऋचा सिंह जैसे युवा साथी बुनियाद हिलाने का काम करेंगे इस देश में। ऋचा सिंह जी धन्यवाद। रोमा जी, सभा में उपस्थित सभी किसान मजदूर भाई बहनों को मेरा क्रांतिकारी सलाम, साथ ही साथ मंच पर उपस्थित सभी सामान्य जनों को भी मेरा क्रांतिकारी सलाम। साथियों, हम कल से ही दिल्ली में अपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के साथियों के साथ डटे हुए हैं, जो संसद का घेराव था छात्रों के सवाल पे, और आज जो किसानों का सवाल है इस पे
हमें बात समझना होगा कि क्या कारण था कि किसानों की आत्महत्या शुरू हुई थी पिछले साल और आज वो छात्रों की आत्महत्या तक वो सवाल पहुंच चुका है, जो कि इस देश के लिए बहुत खतरनाक और गंभीर सवाल है। इस देश का सवाल बहुत ही आने वाले समय में खतरनाक होने जा रहा है। हम सबको जरूरत है चेतने की कि अगर इस देश का किसान आज आत्महत्या की कगार पे पहुंच चुका है, इस देश के छात्रों ने आत्महत्या करना शुरू कर दिया है, तो हम किस देश के विकास की बात कर रहे हैं और कौन से डिजिटल इंडिया को लाने की हम बात करने जा रहे हैं। साथियों, पूरे देश में सरकार जिस तरीके से कॉरपोरेट घरानों को लगातार बढ़ावा दे रही है और किसानों के हितों को छलने का काम कर रही है, हमें किसानों को समझाना होगा कि अब आने वाला समय संसद से सड़क तक का समय होगा और हमने ये मान लिया है कि आज जो हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हमने सड़क पे ये ऐलान कर दिया है कि हम लड़ाई लड़ेंगे और हमारी लड़ाई सड़क से शुरू होकर संसद के अंदर तक जाएगी और संसद के अंदर तक हम बदलाव करने का मादा रखते हैं। और ये जो एकजुटता हमने पिछले कुछ महीनों से पूरे देश में फैली हुई है और उस एकजुटता में मजदूर अलग सवाल पे बात करें,